Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video. उपनगर पत्रकार एसोसिएशन द्वारा समाज रत्न पुरस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक काम करने वाले व्यक्तियों को शाल श्री फल समृत चिन्ह सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कुरला पूर्व नेहरू नगर में रखा गया था, जिसमें विधायक मंगेश कुडालकर, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हाजी अराफत शेख, रेलवे के DRM संजय जैन, पूर्व मंत्री चंद्रकांत हंडोरे, टाटा हॉस्पिटल के डॉक्टर सईद जाफरी, RCF के असिस्टेंट जनरल मैनेजर संजय जगताप, शिक्षण समिति अध्यक्ष मंगेश सात्रमकर, हेल्थ कमेटी की चेयरमैन डॉक्टर अर्चना भाले राव, सुधार समिति अध्यक्ष दिलीप लांडे, जोन 6 के पुलिस उपायुक्त शाहजी उमाप, जोन 7 के पुलिस उपायुक्त अखिलेश सिंह, सहायक पुलिस उपायुक्त JD मोरे, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजा राम वहनमाने, नगर सेविका आशा मराठे, सुषमा सावंत, नगर सेविका डॉक्टर सईद खान, प्रवीणा मोरजकर, पत्रकार लता मिश्रा, वसंत प्रभु, समाज सेवक डॉक्टर रजनीकांत मिश्रा, देवेंद्र शुक्ला, प्रकाश वाणी, ब्रिजेश बिंदवार, अफरोज भाई, खलील खोट, करण दुनबले प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। आए हुए अतिथियों के हाथों ने 3 यादव सलोनी ढसाल कराटे, चंद्रशेखर सावंत, जय होलमुखे, बशीर भाई हजवानी, सैयद एजाज, आनंद पांडे, आनंद श्रीवास्तव, रमाकांत तिवारी के विभिन्न योगदान को देखते हुए सम्मान किया गया। साथ ही कुछ पत्रकारों द्वारा रेलवे में यात्रा करते समय सुरक्षा को लेकर बनाई गई फिल्म के लिए मध्य रेलवे द्वारा प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। कार्यक्रम का संचालन और आभार प्रकट RJ हुले ने किया। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मैं समझता हूँ पूरे देश को पत्रकारों का सबसे बड़ा योगदान है, और जो पत्रकार जिस तरीके से एक अच्छी न्यूज़, बुरी भी न्यूज़ और ऐसी सारी चीज़ सरकार तक लाने का काम करते हैं, लोगों तक लाने का काम करते हैं, और आज जो मैंने जो देखा कि जो लोग कुछ ना कुछ एक अपने देश के लिए, अपने बच्चे, कुछ ना कुछ नई चीज़ करते और उनको उजागर करने का, उनको लोगों के सामने लाने का जो काम आप लोगों ने किया है, मैं बिल्कुल सभी पत्रकारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस काम के अंदर आप लोग जब कभी भी मुझे सरकारी तौर पे होने दो या अपना फैमिली का एक हिस्सा होने के बोलने दो, आप मुझे याद कीजिए। बिल्कुल ऐसे कामों के अंदर मैं पूरी तरीके से सभी पत्रकारों के साथ, हमेशा पूरी ताकत के साथ खड़ा रहूँगा। बिल्कुल बराबर ये सारी चीज़ें, हमले तो कई हमले ऐसे कई जगह पे होते, कई नेताओं पे भी हमले हो जाते, अब लोग एग्रेसिव हो जाते कभी कभी ऐसी चीज़, लेकिन उनको समझाने का काम, उनको एक जागरूक करने का काम ये जिस तरीके से हम सब कर रहे हैं, और बिल्कुल उसके अंदर सरकार के ओर से जो जब पत्रकारों को मदद लगेगी, सरकार पूरी तरीके से साथ में खड़े रहेगी। पत्रकार और नेता का नाता ये होता है, जैसे कि पीर को बड़ा करता है मुरीद, नेता को करता है कार्यकर्ता, वैसे पत्रकार का भी एक बहुत अहम हिस्सा होता है सरकार के अंदर, और सभी पत्रकारों के साथ में हमेशा मेरा फैमिली संबंध रहा। पहले से मैं भारतीय विद्यार्थी सेना से जब से काम करता रहा, आज जितने भी पत्रकार थे लगभग वो आज बड़े बड़े अहदे पे गए, लेकिन एक ज़माना था जब मैं स्टूडेंट में काम कर रहा था, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, आज करते करते सब बड़े पत्रकार बन गए, और मैं आज अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष हो गया। सभी दोस्तों की मेहरबानी से, माँ की दुआओं से और समाज के आशीर्वाद से ये हाजी अराफत शेख आया है। बिल्कुल पूरी तरीके से पत्रकारों के ऊपर जब जब कोई बात होगी तो मैं मेरे खाते के ओर से, सरकार के ओर से उनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा रहूँगा। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video.